हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चाहे मसरूफ़े अमल सारी खुदाई हो जाए, और मुसलमानों आला हजरत ने भी इस रास्ते को छोड़ा नहीं, आला हजरत ने भी इस रास्ते को नहीं छोड़ा, बल्कि आखिरी लम्हा आखिर वक्त में अपने कलम को रख दिया, अपने कागज को रख दिया और घुटने को बारगाह रसूल पाक में। अरे वो रसूल पाक की बारगाह, जिस बारगाह में अहमद रजा पहुंचे तो कह दिए, या रसूल अल्लाह मैं तनहा नहीं बल्कि तेरे बेटे गौसे आजम को वसीला लाया हूं। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत इतने बड़े मजमे में क्या कोई फर्द ऐसा नहीं है कि खड़ाओं के नारा लगाए? सिर्फ मैं ही नारा लगाऊंगा, आप हजरत की सेमाक पर हर्फ आ जाएगा। गाही बगाही आप हजरत की खड़े होकर नारा लगाते रहे, अब जवाब दीजिए आप। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु शरिया, अल्लाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली में लेकर रहमतुल्लाह जबान ने अपने कागज को रखा, अपने कलम को रखा और बारगाह रसूल आजम में अपने घुटनों को टेक दिया। और टेकने के बाद उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि घुटने को टेका और टेकने के बाद जितने सुखनवर थे जिस रास्ते पर चले थे अहमद रजा भी चल दिए कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अपने घुटनों को मैं टेक रहा हूँ और या रसूल अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत आला हजरत, बात चलती है आला हजरत, अगर मैं आला हजरत की बात बताऊं और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कसम खुदा की वो आला हजरत है कि जिन्होंने जब पानी पर कलम चला दिया तो महशर फरीदी साहब साहब किबला से पूछिए 158 किस्म इमाम अहमद रजा ने वो बयान कर दी पानी की कि जिससे वो सुजाइश है। और 148 किस्म इमाम अहमद रजा ने वो बयान कर दिया कि जिससे वजू नाजायज है। मुझे बताओ कि इमाम अहमद रजा ने एक वक्त में 300 से ज्यादा पानी की किस्म बयान फरमा दिया कि नहीं? तो अहमद रजा तो वो है कि अगर पानी पर कलम चलाए तो पानी को पानी कर दे, पानी को पानी कर दे और जमाना पुकार उठे एक वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है बहुत ही इल्मे दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है। तो हजरात आला हजरत इमाम अहमद रजा, मैं इधर या रसूल अल्लाह, हाँ इसका भी ख्याल रखिए आप लोग, ताजु शरिया भाई अल्लाह सलामत रखे, बहुत दूर से लगाया है आपने माशाल्लाह, अल्लाह हू अकबर सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह माशाल्लाह, हजरत मुजाहिद लोग हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं लंबी गुफ्तगु ना करके भाई मेरे रजा का है सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है। मैं जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है, जिस आयते करीमा ला शक काफी सुभान अल्लाह, जिस आयते करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उलमा बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में चंद बातें मैं इस आयत के तहत करूंगा। ये रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, लिहाजा बात रसूल आजम तक قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। तर्जमा यह है कि तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब, नूर
और एक रोशन किताब। तो मुसलमानों अब आइए देखें कि ये नूर और रोशन किताब, ये उलमा बैठे हुए हैं, मौखर मुकद्दम का मामला आया तो बात आगे बढ़ जाएगी, नूर को मुकद्दम किया, किताब को मौखर किया तो भी बात आगे बढ़ जाएगी। लिहाजा चंद जुमलों में मैं ये बता दूं कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो बयान फरमाया है कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। उलमा की मौजूदगी में महशर फरीदी साहब किबला, नाज़िमे इजलास हजरत अल्लामा मंसूर अहमद साहब किबला, खतीबे जलसा जलवा कर है, आप इनसे न पूछिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन जो फरमाया है, ये नूर से मुराद क्या है और किताब से मुराद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान में जो नूर फरमाया है कि तुम्हारे पास नूर आ गया है, ये तुम्हारे पास नूर आ गया है। अब लुगत की दुनिया उठा करके देख लो, इन लुगत की किताबें उठा करके देख लो, पन्ने पलट करके देख लो, इन लुगत के फड़फड़ाते हुए पन्नों को उल्टा और नूर का माना तलाश करो। इन नूर के माने क्या होते हैं, इन नूर के मफहूम क्या होते हैं, इन नूर कहां किसे जाता है। ये तो अल्लामा मंसूर अहमद साहब किबला, क्या तो फिर महशर अहमद साहब किबला फरीदी, ये उलमा इकराम जवाब देंगे। अरे नूर उसे कहा जाता है, नूर उसे माना जाता है जो खुद रोशन हो दूसरों को भी रोशन कर दे, यही नूर का मफहूम हुआ करता है। नूर जो खुद जाहिर हो और जब जहां पर हो वो अपने आप तो जाहिर हो, लेकिन उसके जाहिर होने से दूसरी चीजें भी जाहिर हो जाए, ये नूर का मफहूम होता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब पता करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में ये जो नूर फरमाया है, ये नूर किसे फरमाया है, किताब किसे फरमाया है, किताब किसे कहा है, नूर किसे कहा है। ए मुसलमानों आओ आओ, उलमा के करीब आ जाओ, उलमा के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, ये जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि जो नूर रब ने फरमाया है, नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी है, नबी कौन है, इनकी पाक जात है, आकाए करीम की जात मुबारक है, और किताब जो फरमाया है, किताब से मुराद जो है, किताब से मुराद कुरान पाक में जो है वो किताब मुबीन जो है वो कुरान पाक है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये मुसलमानों, कुरान पाक को अल्लाह ने इस आयते करीमा में किताब मुबीन फरमाया है, यानी किताब मुबीन कोई और किताब नहीं, वो तौरात नहीं है, वो इंजील नहीं है, वो सबूर नहीं है, बल्कि किताब मुबीन हमारा और आपका कुरान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, और जिस किताब के आने के बाद तौरात के कानून को मंसूख कर दिया गया, जबूर के कानून को मनसूख कर दिया गया, इंजील के कानून को मनसूख कर दिया गया, उसी किताब के आने पर सारी किताबों के कानून मनसूख हुए, उसी किताब को अल्लाह ने किताब मुबीन फरमाया, यानी कुरान है। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, मुसलमान हो आगे बढ़ो, अब मामला और आगे लेके चलो। बात समझ में आई, नूर से मुराद नबी अकरम की जाते पाक, किताब से मुराद कुरान पाक। अब फिर सवाल पैदा होता है कि ये लोगों, जब अल्लाह ने नबी का जिक्र कर दिया, नूर का जिक्र कर दिया, साथ साथ में कुरान का जिक्र क्यों आ गया, कुरान पाक का जिक्र अल्लाह ने क्यों लाया। तवज्जो मेरी तरफ कर लो मुसलमानों, पूरी तवज्जो इधर करो, बात बहुत बारीकी से गुजर रही है वरना बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नूर का बयान कर दिया है तो फिर किताब का बयान क्यों कर रहा है। तो मुसलमानों आइए आइए, चंद जुमलों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा मंसूर साहब की बला या नाज़िमे इजलास अल्लामा फरीद अल्लामा फरीदुद्दीन साहब की बला मदरसा लाहौर नौरानी से अगर आप पूछेंगे तो एक मिसाल के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोगों देखो अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत क्या है कि नूर के साथ साथ किताब का जिक्र हो रहा है, नबी के साथ साथ कुरान का जिक्र हो रहा है, नूर के साथ साथ किताब का जिक्र हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है। आइए मुसलमानों देखें, सोचने की बात है और इसको पूछ
पूछने की बात है, समझने की बात है कि जब कुरान आजम नबी आ गए तो रुश्द हिदायत के लिए नबी काफी है, रिसालत का नबी के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान के लिए नबी काफी है, तो फिर साथ साथ कुरान की जरूरत क्या है? कुरान साथ साथ में, जिक्र साथ साथ में, नबी के बाद कुरान का जिक्र है, नबी के आने नबी आए तो कुरान भी भेजा गया, नबी आए तो कुरान नाजिल किया गया, आखिर मामला क्या है? ए मुसलमानों, में बस्ती से चल करके आया, हजरत अल्लामा मंसूर अहमद साहब किबला लखनऊ मस्जिद से चल करके आए, हजरत अल्लामा फरीदी साहब किबला अपने रूम से चल करके, अपने घर से चल करके इस जलसे में आए हैं। ए मुसलमानों, में मिसाल से समझा देने की कोशिश कर रहा हूं कि हजरत अल्लामा मैशर फरीदी साहब किबला जो मेंबर नूर पर जलवा कर है, इन्होंने जिस जो कमेटी है जो यहाँ गालिबन शाहिद साहब किबला मदरसा लाहौर नौरानी है, नाम मुझे याद नहीं मुसलमानों, शाहिद साहब किबला से हजरत अल्लामा मैशर फरीदी साहब किबला ने इरशाद फरमाया कि हुजूर, हम आपके जलसे में आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हमें ना उन शरीक कर रहे हैं, लिहाजा चाय की जरूरत है, मुझे एक कप चाय पिला दो। आइए ए मुसलमानों, में आपको बताओ कि आखिर नूर के आने और किताब के साथ आने की जरूरत क्या है? दूसरी मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक मोबाइल की दुकान पर जाते हो और मोबाइल समझाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आज के दौर में 8 साल का बच्चा है तो भी मोबाइल है, 6 साल का बच्चा है तो भी वो मोबाइल में कुछ नहीं तो गेम खेल रहा है। ए मुसलमानों, आज मोबाइल की मिसाल समझाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि आज देखो तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल चमक रही है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, औरतों के हाथ में मोबाइल है, औरतों के हाथ में मोबाइल है, बुढ़ों के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उलमा के हाथ में मोबाइल है, जोहला के हाथ में मोबाइल है, यानी मोबाइल हर हाथ की जीनत बन चुकी है। इसलिए समझो कि आप कुरान आया, नबी आए तो कुरान की जरूरत, इमामुल अंबिया आए तो कुरान की जरूरत क्यों पड़ी? तो मुसलमानों, समझने की कोशिश करो, एक मोबाइल की दुकान पर आप पहुंच जाओ, आप किसी कंपनी की मोबाइल खरीदो, और खरीदने के बाद जब उसके पैक को आप खोलेंगे, मुसलमानों जो जो लोग मोबाइल खरीदे हो सब जानते हैं कि जब उसके पैक को खोलेंगे, उसके बॉक्स को खोलेंगे, तो आपको सिर्फ मोबाइल उससे नहीं मिलेगी, बल्कि एक आपको किताब मिलती है, एक छोटी सी आपको बुक मिलती है, एक छोटी सी उसमें से बुक निकलती है। जरा पलट करके पूछ लो उस दुकानदार से, ए दुकानदार, हमने तुझसे सिर्फ मोबाइल मांगा था और हमने कीमत सिर्फ मोबाइल की दिया था, ये बुक कहाँ से आ गई है, ये किताब कहाँ से आ गई है, ये किताब तू क्यों दे रहा है, ये किताब क्यों ला रहा है, हमें किताब की जरूरत नहीं है, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसका पैसा नहीं दिया है, हमने इसका बिल नहीं दिया है, तो हमें किताब क्यों दे रहा है? तो दुकानदार कहेगा कि ये मोबाइल लेने वाले सुन ले, मोबाइल तो लेकर के जा रहा है, अरे साथ किताब भी लेके जा, इसलिए इस किताब के अंदर उस मोबाइल की हैसियत बयान कर दी गई है, उस मोबाइल की सेटिंग बयान कर दी गई है, मोबाइल का लॉक कैसे होगा इस किताब के अंदर तुम्हें मिलेंगे, उसका इनबॉक्स कैसे खुलेगा इस किताब के अंदर तुम्हें मिलेंगे, कॉन्टेक्ट कैसे जोड़ा जाएगा, इस किताब में लिख करके दिया गया है। ए मुसलमानों, मुझे कहने दो, जब दुनिया की बनाई हुई चीज मोबाइल को समझने के लिए एक किताब की जरूरत पड़ सकती है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझने के लिए कुरान की जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह की बनाई हुई चीज को समझने के लिए कुरान की जरूरत है। हो गया हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मान, जश्ने रहमतुल आलमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत नबी को अल्लाह ने भेजा और साथ कुरान दिया, ये लोगों, मैं अपने नबी को भेज रहा हूं और साथ ही साथ कुरान दे रहा हूं, अगर मुस्तफा समझ में ना आए इसलिए कि मुस्तफा को मैंने ऐसा बनाया कि उंगली उठा दे तो चांद फट जाएगा, मुस्तफा को मैंने वो पावर दे दिया कि उंगली उठा दे
सकते। ए लोगों, मैंने मुस्तफा को वो पावर दिया कि हाथ को प्याले में रख दे तो 1500 सहाबा उस उंगलियों से निकलने वाले पानी से शराब हो जाए और समाना पुकार उठेगा कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी बाबा। लिहाजा ये लोगों, तुम मुस्तफा को देख करके समझ नहीं पाओगे, मुस्तफा के हाथ को नहीं समझोगे, मुस्तफा के पाँव को नहीं समझ पाओगे। अरे वो कदम पाक जो कभी हमने जो कभी मक्के में दिखाई दे, कभी मदीने में दिखाई दे, कभी ताइफ में दिखाई दे, कभी बद्र में, कभी उहद में दिखाई दे, वो कदम जो कभी मक्के में, वो कदम जो कभी मदीने में, वो कदम जो कभी अर्श आजम पर दिखाई दे, वो कदम जो कभी मक्के में, जो कभी मदीने में, अब कभी ऐसा भी आए कि मक्का में पहुंचे, उसे तुम्हारे बस की बात नहीं है कि समझ सको। तुम नहीं समझ सकते, लिहाजा मुस्तफा के दस्ते पाक को समझने के लिए कुरान दे रहा हूं। कुरान पढ़ना मुस्तफा समझ में आएंगे। मुस्तफा के चेहरे पाक को तुम नहीं समझ सकते, इसलिए समझने के लिए कुरान दे रहा हूं। कुरान पढ़ोगे तो मुस्तफा समझ में आ जाएंगे। ए लोगों, मुस्तफा जाने रहमत के कान को तुम नहीं समझ सकते। अरे वो कान सुन लो आला हजरत का बयान। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वका कानो लाले करामत पेला को सलाम। और हम कहते हैं कि हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की जमात पे लाखो सलाम। ए लोगों, तुम मुस्तफा के गोशे मुबारक को नहीं समझ सकते, इसलिए उसे समझने के लिए तुम्हें कुरान दे रहा हूं। कुरान ले लो, मुस्तफा को समझो। कुरान पढ़ो, मुस्तफा के चेहरे को समझोगे। कुरान पढ़ोगे, मुस्तफा के हाथ को समझोगे। कुरान पढ़ोगे, मुस्तफा की आंख को समझोगे। कुरान पढ़ोगे, मुस्तफा के कान को समझोगे। कुरान पढ़ोगे, मुस्तफा की जात को समझोगे। इस जरूरत पड़ी कि जब महबूब को समझना हो तो कुरान पढ़ना होगा, और कुरान समझना हो तो मुस्तफा को जानना होगा, मुस्तफा को समझना होगा। यानी बगैर नबी की मोहब्बत के कुरान नहीं समझना है, और बगैर कुरान के नबी की अजमत समझ में ना आए, मुस्तफा का वकार समझ में ना आए, मुस्तफा की रिफात समझ में ना आए। लिहाजा मुस्तफा को समझना हो तो कुरान पढ़ो, और कुरान समझना हो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बसा करके तुम कुरान पढ़ो तो कुरान पाक समझ में आए। साथ और आगे बढ़ो, मैंने आयत करीमा तिलावत किया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। बात मेरी आपकी समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही हो तभी बात करूं। हजरत, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। ये नूर आया कहां से? नूर आया कहां से? अल्लाह की जानिब से। किसके पास आया? किसके पास आया? इसको चंद जुमलों में हम देख लेते हैं। ये नूर जो है अल्लाह ने कब बनाया? ये नूर कहां था? अल्लाह ने कब पैदा फरमाया? अल्लाह ने कब इसे बनाया? ये नूरे मोहम्मद ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। ए मुसलमानों, आओ आगे बढ़कर के देखें कि अब पूछे ए नबी, हम दूसरे से ना पूछे, अल्लामा मशर फरीदी साहब की बला से ना पूछे, हजरत अल्लामा मंसूर साहब की बला से ना पूछे, बल्कि जहां से हर शय का जवाब मिल रहा है, सर्रे सर्रे का कानून बन रहा है, जहां से हर चीज का जवाब हमें मिला है, जहां से हजरत अल्लामा मंसूर साहब की बला को जहां से कानून मिल रहा है, मशर फरीदी साहब की बला को जहां से कानून मिल रहा है, उसी चौखट पे चल है, जहां से सिद्दीक को सदाकत मिल गई हो, उसी चौखट पे आओ जहां से हजरत
हो उसी चौखट पे आओ जहाँ पर हजरत उस्मान को सखावत मिली हो, उसी चौखट पर चलो जहाँ से हजरत अली को सुजात मिल गई हो, उसी चौखट पे आओ जहाँ से कोई साइल खाली नहीं आता। और आला हजरत की जबान में मैं कह दूँ कि या रसूल अल्लाह वहाँ क्या जोदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नबी का हाल तो ये है कि वो नबी का हाल ये है, नबी के देने का मामला ये है, नबी के देने का हाल ये है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बाद ये है, दुर्वे बाद ये। जरा मोहब्बत पेश करिए, कितनी मेहनत से वो बोल रहे हैं, आप खुद सोचिए अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आपकी क्या हालत होगी। जरा मोहब्बत से नारे का इस्तकबाल, नारे का जवाब दीजिए और इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी और अपनी आवाज की लौ को बढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल्लिल आलमीन, मसलके आला हजरत, आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज, अंजुमन रज़विया फैजाने मुस्तफा बरोरा, नारे तकबीर, नारे हजरत। उस चौखट पे आओ जिस चौखट से कोई साइल आज तक वापस नहीं गया, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। हजरत आओ नबी से पूछे, ए नबी, ए इमाम उलंबिया, ए रसूल आजम, ए सरबरे कायनात, आप ये तो पैदा ये तो बयान फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसे पैदा फरमाया है। तो ए मुसलमान, अल्लाह के हबीब सरबरे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ए जाबिर, और इस हदीस के रावी हजरत जाबिर है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए जाबिर सुन लो, अव्वलो मा खल अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। और सुनो, उस वक्त न लौथी न लौह है, न कलम न कलम, न लौथी न कलम था, न जन्नत न जन्नत, न दोजख है, न हूर थे न गिलमा, न तो अर्श न अर्श था, न कुर्सी न कुर्सी, न तो हूर मलाइक थे। ए जाबिर, उस वक्त कोई चीज वजूद में नहीं थी, आसमान वजूद में नहीं था, जमीन वजूद में नहीं थी, समंदर की लहरें नहीं थी, समंदर की तुगयानी नहीं थी। ए आबू जाबिर सुनो, जन्नत की ओरें नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, यानी मेरे नूर को पैदा फरमाया है। ए मुसलमानों, अब नबी का कौल ये है, आका का कौल ये है, और मैं तो ये कहता हूँ कि नबी का लब हिल जाए ये तो जमाना कह उठे, नबी के पाक मुस्कुराए तो आलम ये हो जाए कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। और नबी का लब हिल जाए, नबी का होठ हिल जाए, नबी के लब पाक जुम्बिस में खाए, जुम्बिस खाए तो आला हजरत जैसा अजीमुल मुरातबात, अजीमुल मुरातबात मुजद्दिदे आजम पुकार करके कह उठे कि पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन खुले, मुस्तफा का मुंह खुले तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि मुस्तफा के मुंह के बारे में पूछता है, आका का मुंह तो ऐसा मुंह है, आका का दहन तो ऐसा दहन पाक है कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। ए मुसलमान, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए जाबिर, अल्लाह ताला ने उस वक्त तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर को उस वक्त पैदा फरमाया, न लौह है, न कलम है, न कलम पैदा किया है, न लौह पैदा किया गया है, न तो ए आता है। ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर से पहले किसी शय को पैदा नहीं किया है, उस वक्त न जन्नत है, न दोजख है, न आसमान है, न जमीन है, न चांद है, न सूरज है, न तो पानी है। ए मादा, ये अजाबी सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। अब ये सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया, सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ने
सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया। तो मेंबरे नूर पर उलमा जलवा फरमाए, सबसे पहले कोई चीज नहीं, ये मेरे आका खुद फरमाते हैं। और ये उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार उलमा है। इस हदीस को अल्लामा बदरुद्दीन साहब गिबला ने उठा करके फैजुल अदब अव्वल में डाल दिया। आखिरी सफा में हजरात ये हदीस पाक है कि उस वक्त तो कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया। ए रसूल, ए नबी, हर चीज पैदा होने के लिए उलमा को कानून मालूम है, आप भी जानते हैं, महशर फरीदी साहब किबला को भी मालूम है कि कोई भी चीज वजूद में आने के लिए किसी न किसी चीज की मोहताज होती है। जिस तरह आप देख रहे हो, पूरा जहन मेरी तरफ लगाओ मुसलमानों, मेरे सामने माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन है, ये लोहे का है, लोहे का है, लेकिन ये माइक्रोफोन बनने के लिए किस चीज का मोहताज? माइक्रोफोन बना बाद में, पहले ये लोहा है, लोहे का मोहताज है, उसके बाद ये माइक्रोफोन बना। जब इंजीनियर ने इसे हाथ लगाया, लोहे को लाया और हाथ लगाया, इसे गढ़ा, अपने दिमाग को खर्च किया, अपने दिमाग को सर्फ किया, उसके बाद माइक्रोफोन बना। मुसलमानों तो कहना पड़ेगा कि ये माइक्रोफोन बना बाद में, लेकिन ये बनने के लिए लोहे का मोहताज है। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये कुर्सी ही है, नहीं मुसलमानों, ये कुर्सी बाद में बनी है, पहले ये प्लास्टिक है। तो कहना पड़ेगा कुर्सी बनने के लिए प्लास्टिक की मोहताज है, अपने वजूद के लिए एक प्लास्टिक की मोहताज है। और ये नीचे तख्त है, हम मुसलमानों देख रहे हो, ये लकड़ी का तख्त है, ये जिस पर उलमा अहले सुन्नत जलवा कर है, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए है, ये है तख्त बना बाद में, लेकिन सबसे पहले ये लकड़ी का मोहताज है। अगर लकड़ी नहीं तो ये तख्त नहीं, लकड़ी ना होता तो तख्त ना होता। तो कहना पड़ेगा कि ये तख्त बना बाद में, लेकिन लकड़ी पहले है। अगर लकड़ी नहीं तो तख्त नहीं, पता ये चला कि ये तख्त लकड़ी का मोहताज है, अपने वजूद के लिए लकड़ी का मोहताज है, कुर्सी अपने वजूद के लिए प्लास्टिक की मोहताज है, माइक्रोफोन अपने वजूद के लिए लोहे का मोहताज है, ये जुब्बा अपने वजूद के लिए कपड़े का मोहताज है, ये टोपी अपने वजूद के लिए कपड़े, ये टोपी अपने वजूद के लिए ये कपड़े का मोहताज है। तो मुझे कहने दो, ये रसूल, जब कोई चीज नहीं थी तो अल्लाह ने आपको कैसे पैदा किया? आपके नूर को कहां से लाया? आपके नूर को कहां से बनाया? हर चीज जी 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 हजरत, तकरीर बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर। हजरत, मैं अर्ज कर रहा था कि ये टोपी अपने वजूद के लिए कपड़े की मोहताज। तो ये रसूल, जब जमीन नहीं, बात आप समझ लीजिए, समझ रहा हूं अपनी तकरीर को, ये रसूल जब जमीन नहीं, आसमान नहीं, जन्नत नहीं, दोजख नहीं, अर्श नहीं, कुर्सी नहीं, ये रसूल जब कोई चीज नहीं तो आपके नूर को अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाया? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, तुम जानना चाहते हो कि मेरे नूर को अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाया? अरे मेरा नूर जमीन का मोहताज नहीं है, मेरा नूर पैदा होने में आसमान का मोहताज नहीं है, मेरा नूर पैदा होने में अर्श का मोहताज नहीं है, मेरा नूर पैदा होने में जन्नत का मोहताज नहीं है, हूरों की पेशानी का मोहताज नहीं है, बल्कि सुन लो, मेरे नूर को अल्लाह ने कहां से पैदा किया है? मेरे आका फरमाते हैं, रसूल अकरम फरमाते हैं, शान शाह कौलैन फरमाते हैं कि ए लोगो, कुल्लो खलाइक मिन नूरी वाना मिन नूरिल्लाह, सारी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई है और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया, सारी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। तो मुसलमानों, आप सवाल ही नहीं होता है,
कि जमीन का मोहताज अल्लाह अपने रसूल को होने दे, आसमान का मोहताज रसूलुल्लाह को अल्लाह होने दे, कभी नहीं। और फिर एक सवाल कि जब कोई चीज नहीं तो मान लिया कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर की तखलीक फरमा दी। इसमें बहुत सारे मामलात हैं, बहुत शोशे और गोशे हैं, लिहाजा आप देख रहे हैं कि फोन आ रहा है उधर से कि तकरीर बंद की जाए, लिहाजा तकरीर बंद होगी। आप आखिरी बात सुन लें कि जब नबी का नूर पैदा होने में किसी का मोहताज नहीं और जब नबी का नूर पैदा हो गया तो फिर ये मुसलमानों, अल्लाह ने अपने नूर से जब पैदा कर दिया तो फिर एक सवाल खड़ा हो गया कि अल्लाह ने अपने नबी के नूर को जब अपने नूर से पैदा कर दिया तो रखा कहां, जब जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, हूरों खिमा की पेशानियां नहीं, ये जन्नत नहीं, अर्श नहीं, कुर्सी नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को रखा कहां, कहां रखा। बहुत बारीक मसाइल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं हजरत, मुख्तसर में बयान करके चला जाऊं कि जिस तरह परवरदिगार ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबे पाक को अपने नबी के नूर के पैदा करने में जमीन का मोहताज नहीं होने दिया, आसमान का मोहताज नहीं होने दिया, चांद का मोहताज नहीं होने दिया, सूरज का मोहताज नहीं होने दिया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को रखने में ना चांद का मोहताज बनाया है, ना सूरज का मोहताज बनाया है, ना हूरों की पेशानी का मोहताज बनाया है, ना जमीन का मोहताज बनाया है, ना आसमान का मोहताज बनाया है, बल्कि कहा ये मेरे रसूल, जिस तरह तेरा रब तेरे बनने में जमीन का मोहताज तुझे नहीं होने दिया, इसी तरह तेरे नूर के रखने में मैं तुम्हें जमीन और आसमान का मोहताज नहीं बनने दूंगा। तो फिर रखा कहां? मुसलमानों सुनो, अल्लाह ने अपने नबी को जमीन और आसमान का मोहताज नहीं होने दिया, बल्कि कहा ए मेरे नबी के नूर आ मेरे कुर्बे खास में, आ ए मेरे हबीब का नूर, आ मेरे कुर्बे खास में आ, तुझे जमीन की जरूरत नहीं है, तुझे जमीन का मोहताज मैं नहीं रहने दूंगा, आसमान का मोहताज नहीं रहने दूंगा, ए मेरे नबी के नूर आ मेरे कुर्बे खास में चले आ, ए तुझे जमीन की जरूरत नहीं है ना आसमान की जरूरत है, मैंने तुझे हर चीज का मोहताज नहीं बनाया और बल्कि हर चीज को तेरा मोहताज बनाया है। हजरत अल्लामा मंसूर साहब बताएंगे कि नबी के नूर के नूर के नूर ही से सारी कायनात पैदा की गई है, नूर के चार हिस्से किए गए हैं, एक हिस्से से लाहौर कलम कलम पैदा किया गया, कलम पैदा गल्ला पैदा की गई है, कलम पैदा किया गया है, ए मुसलमानों फिर जो आखिरी हिस्सा बचा है, फिर उसके चार हिस्से किए गए हैं, मुसलमानों वक्त नहीं वरना मैं एक एक करके बता देता, इस कायनात की तखलीक परवरदिगार आलम ने कैसे फरमाई है और अल्लाह का नूर कैसे कैसे जमीन पर आया है। ये चूंकि रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह इसकी सदाकत आपकी निगाहों के सामने उजागर कर देता, लेकिन वक्त नहीं है मुसलमानों, और मैं अपनी तकरीर को इसी पर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि परवरदिगार ने अपने नबी के पैदा होने में किसी का मोहताज नहीं होने दिया, अलबत्ता सारी कायनात को अपने नबी का मोहताज बना दिया है, अपने रसूल का मोहताज बना दिया है, अपने आका अपने हबीब का मोहताज बनाया है। और मुसलमानों मुझे कहने दो, और मेरा यही आखिरी पैगाम होगा, ए मुसलमानों कि यहां के नौजवानों ने जिस तरीके से इस जलसे को सजाया है, रचाया है, बसाया है, बिलखुसूस जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे अली जनाब मुखय्यर कौम मिल्लत, अली जनाब तसव्वुर हुसैन साहब की बिला, और दूसरे जो इस जलसे में पेश रहे, यानी आगे भी चले, जो कदमों से चल करके इस कदमों से चल करके जिस अपने माली और जिस्मानी मेहनतों के जरिया ऐसी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को वजूद में ला करके खड़ा कर दिया है, और मैं शर्फ
फरीदी जैसा नाजमे इजलास को ला करके ऐसे मेंबर नोर पर खड़ा कर दिया, हजरत अल्लामा मंसूर जैसे खतीब को इस मेंबर पर खड़ा कर दिया। ए मुसलमानों वो साथ है आली जनाब मुखय्यर कौम मिल्लत बिरादर अकबर बिरादर अकबर शाही साहब की बला की जिन्होंने दिल में कदमे हिस्सा ले करके इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को आपकी निगाहों के सामने सजाया रचाया बसाया और मुसलमानों इसमें पेश पेश आप हजरात रहे और यहाँ के नौजवान रहे। कसम खुदा की ये मेरा दावा है और मैं क्या करूंगा बल्कि नब्बास कौम मिल्लत डॉक्टर इकबाल ने जब नौजवान के हौसले को देखा था तो नौजवानों के लिए कह दिया था कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला यहाँ के नौजवानों के हौसलों में दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। मौला यहाँ के नौजवान जिस रास्ते से दीन की खिदमत के लिए आगे निकल जाए वो रास्ता हमवार हो जाए। मौला तबारक व तआला यहाँ के नौजवानों में एक जज्बे हक्कानियत अता फरमा दे एक जज्बे हक्कानियत अता फरमा। और मुसलमानों आखिरी मेरा यही पैगाम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और नौजवानों को बिलखुसूस माशरे की बुराइयों से बचाते हुए दीनी रास्ते पर कदम रंजा हो जाए। मौला तबारक व तआला तेरी बारगाह में ये दुआ है। और आखिरी पैगाम अब्दुल हय खान का नोट कर लो कि मोहम्मदी पैगाम ले अली की जुल्फिकार ले हुसैनी यादगार ले हसन का एतबार ले मुजाहिदी कतार ले दिलावरी का जाम ले फजीलत तमाम ले सलाम ले कलाम ले करार ले वकार ले बहादरी से काम ले। अभी तो नौजवान है अभी तो नौजवान है और मचल करके बोल दो यहाँ के मुसलमानों कि वादी रजा की को है हिमालय रजा का है जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है। और कह दो कि ये माने नजदियत हो या कसरे वहाबियत सब है तहस नहस के धमाका रजा का है। और कह लो अपनी जबान से कि इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत दरसो तदरीस में जीशान है आला हजरत। और कह दो इन गुंडों से कि नजद के बाग का एक फूल ना बच पाएगा अरे सिर्फ आधी नहीं तूफान है आला हजरत। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।